देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइन और मैं हूं आशुतोष। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, 40 में से 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है एनडीए के द्वारा। और जो पहले चरण में जो सबसे हाई प्रोफाइल नेम है वो है चिराग पासवान, जमुई के सांसद हैं वर्तमान में, और 5 सालों में क्या क्या कार्य किया है इन्होंने और किन कार्यों को लेकर के जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे चिराग। आइए इनसे ही जानते हैं, चिराग किन कार्यों को लेकर के जाएंगे आप जनता के बीच में जमुई में? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा होगा, मेरे काम के आधार पर मैं लोगों से उनका आशीर्वाद मांगूंगा। और निरंतर पिछले 5 सालों में मैंने अपने क्षेत्र की जनता से ये वादा किया है कि एक एक पाई का हिसाब उनके समक्ष रखे जाऊंगा। मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे क्षेत्र की जनता इतने गर्व के साथ ये बात तो कह सकती है कि उनको एक ईमानदार सांसद ऐसा मिला जिसने किसी योजना में कोई रिश्वत नहीं खाई, जिसने किसी ठेके में किसी तरीके का कोई कमीशन नहीं लिया। कम से कम ये गर्व मेरे क्षेत्र की जनता को जरूर है कि एक ईमानदार सांसद उनके समक्ष आया। रही बात छोटी बड़ी योजनाओं की, मैंने निरंतर प्रयास किया कि अपने क्षेत्र में सांसद निधि के माध्यम से तो खैर जितना मैं कर सकता था उतना जरूर मैंने किया, पर उसके अलावा लोगों की अपेक्षा थी कि अगर चिराग पासवान उनके क्षेत्र में सांसद बनकर आ रहा है तो कोई बड़ी योजना हमारे क्षेत्र को दिलाने में वो कामयाब होंगे। केंद्रीय विद्यालय मैंने अपने क्षेत्र में खुलाया, पहला केंद्रीय विद्यालय जमुई को जिला बने हुए 25 साल हो गए थे पर एक भी केंद्रीय विद्यालय वहां पर नहीं था, तो केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का काम मैंने वहां पर किया। 5 मेडिकल कॉलेज की योजना पूरे प्रदेश भर में केंद्र सरकार की योजना थी कि पूरे प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज खुल रहे थे। हर क्षेत्र के सांसद प्रयासरत थे कि उनके क्षेत्र में ये योजना आए, अगल बगल के जितने जिला के सांसद थे वो प्रयासरत थे कि उनके लोकसभा क्षेत्र में ये योजना है, पर उन 5 मेडिकल कॉलेज में से 1 मेडिकल कॉलेज मेरी लोकसभा में जमुई में खुलने जा रहा है, इस बात की भी संतुष्टि, इस बात का भी गर्व है मुझे। साथ ही में चकई एक ऐसी विधानसभा है हमारे लोकसभा में जो कि पूरी तरीके से मुख्यधारा से कटी हुई थी, वहाँ के लोग निरंतर इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से कोई रेल मार्ग के साथ उन्हें जोड़ा जाए। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के विकास में सबसे पहला कदम होती है। एक कहावत है कि अमेरिका मेड्स रोड एंड देन मेड्स रोड अमेरिका, तो उस कहावत को मैं भी मानता हूँ कि पहले वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जब किसी आयात आने जाने का जब साधन ही नहीं होगा तो उस क्षेत्र में आप विकास किस तरीके से पहुंचा पाएंगे। मुझे खुशी है कि उस चकाई विधानसभा के लिए लगभग 2800 करोड़ की परियोजना रेलवे की मैं वहां पर लेकर गया, जिसका शिलान्यास अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया। पहले फेज में हम लोग लगभग 496 करोड़ की लागत से हम लोग इसको झाझा से लेकर सोनो तक, और मेरा आदर्श ग्राम भी उसी क्षेत्र में पड़ता है, तो मुझे लगता है ये पहला देश का एक ऐसा आदर्श ग्राम होगा जो आदर्श ग्राम घोषित होने के बाद रेल मार्ग से जुड़ेगा। तो वहाँ पर भी एक रेल मार्ग से बढ़िया जो एक आदर्श ग्राम है हमारा वो भी जुड़ने जा रहा है। इसके अलावा FCI का हम लोगों ने डिविजनल ऑफिस वहाँ पर खुलवाने का हम लोगों ने काम किया। किसान के लिए जो कृषि केंद्र है वो पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर था, मुझे खुशी है कि राज्य सरकार, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उनका मुझे उसमें काफ़ी साथ मिला, सहयोग मिला, और जो किसी कृषि केंद्र है जो एकदम बंद होने की कगार पर आ गया था उसको हम लोग पुनः वहाँ पर चलाने में, उसको पुनः वहाँ पर शुरू करने में हम लोग कामयाब रहे। इसके अलावा रेलवे से जुड़ी हुई काफ़ी समस्याएं थी। अगर आप मुख्यालय का रेलवे स्टेशन देखें, जमुई का अगर आप रेलवे स्टेशन देखें, जिस जर्जर हालत में था, मूलभूत जरूरतों का अभाव पूरी तरीके से वहां पर देखने को मिलता था, टिकट के उचित काउंटर नहीं थे, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी, तो लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने रेल विभाग से रेलवे के बजट में हम लोगों ने आवंटित करवाई, जिस पर कार्य चल रहा है पूरी तरीके से। झाझा जो रेल नगरी के तौर पर जाना जाता है लगभग वहां पर हम लोगों ने 50 करोड़ रुपए की योजना वहाँ पर हम लोगों ने लागू कराई। मेमो शेड से लेकर वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज था जिसकी शिकायत बहुत ज़्यादा आती थी, तो ये रेलवे से जुड़ी हुई तमाम ऐसी योजनाएं जो हम लोगों ने वहाँ पर करवाने में हम लोग कामयाब रहे। तो इसी तरीके से एक बरनार जलाशय योजना जो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी 1000 करोड़ की योजना है हमारे क्षेत्र से जुड़ी, जिस पर निरंतर दशकों से हर जनप्रतिनिधि ने उसके ऊपर राजनीति जरूर की, राजनीतिक वादे जरूर किए, पर किसी ने भी उसको धरातल पर उतारने का ईमानदार प्रयास नहीं किया। दिशा की बैठक में मुझे ताज्जुब हुआ जब उस योजना के बारे में मैंने जानकारी ली तो आखिरी बार उसका जो DPR है 80 के दशक में बना था, तब से अभी तक किसी ने उसका DPR बनाना जरूरी नहीं समझा, किसी ने ये जरूरी नहीं समझा कि उस योजना के लिए हम लोग जमीन का हस्तांतरण कराएं। मुझे खुशी है कि पिछले साल भर के भीतर जमीन का हम लोग हस्ताक्षर पूरी तरीके से करा चुके हैं, उसका DPR तैयार हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 6-7-8 महीने में वो योजना भी पूर्णतः धरातल पर उतरती हुई दिखेगी। तो तमाम ऐसे छोटे बड़े कार्य हैं जो मैंने जनता के बीच रखे और इसी के आधार पर अब मैं उनसे उनका आशीर्वाद मांगूंगा। देखिए, महागठबंधन जो है वो विशेष तौर पर आपको हराने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए तहत काम कर रही है।
आसमान क्यों महागठबंधन के सभी नेताओं के निशाने में? देखिए, ये मेरी समझ के परे है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध करना आपके लिए इतना बड़ा लक्ष्य बन जाता है कि आप उसके सामने बाकी सारे एजेंडे को आप भूल जाते हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय भी है। आप जब हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, आज तमाम महागठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी नेता, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को हराना है। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि किस तरीके से वो उनके प्रदेश में, उनके क्षेत्र में विकास करेंगे। उन्होंने आज तक किसी ने, महागठबंधन की यहाँ के भी नेताओं को देख लीजिए, किसी ने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से वो हमारे किसानों की समस्या को हल करेंगे, किस तरीके से हमारे नौजवानों की समस्या को हल करेंगे। विकास का कोई फॉर्मूला उनके पास नहीं है, विकास का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी को हराना, नरेंद्र मोदी जी को हराना, उसके अलावा उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। और उसी तरीके से जब वो मेरा विरोध करने के लिए आते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य बच जाता है कि भैया चिराग पासवान को हराना। चिराग पासवान को हराना क्यों हराना? अगर मैंने पिछले 5 सालों में काम नहीं किया, मेरे काम पे सवाल उठाइए। अगर मैं क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं रहा, उस पर सवाल उठाइए। निरंतर हर महीने, कोई महीना ऐसा नहीं गया जब मैं 4 से 5 बार अपने क्षेत्र नहीं गया हूँ। निरंतर मेरा प्रयास रहा है कि हर वीकेंड मैं अपनी लोकसभा में बिताऊँ। मेरा लोकसभा 3-3 जिलों को मिलाकर बनता है, फिर भी मैंने प्रयास रहा कि तारापुर से लेके शेखपुरा तक और पूरे जमुई जिले में किसी ना किसी दिन किसी ना किसी क्षेत्र में रहूं। तो आप मेरी कार्यशैली पर आप सवाल उठाइए, आप मेरी योजना अगर मैं नहीं लेके आ पाया, आप उस पर सवाल उठाइए। मैं अपने क्षेत्र को विकास पर आगे नहीं लेकर पाया, लेकर जा पाया, उस पर आप सवाल उठाइए। नीति आयोग, ये मेरे आंकड़े नहीं है, नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि जमुई 99वें पायदान पर था, उसको 99वें पायदान से 9वें पायदान पर मैं लेकर आया हूँ। देश भर के जितने भी विकास करने वाले जिले हैं, उसमें से टॉप 5 के जो जिले हैं, जो विकास की गति पर, जो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जमुई जिले का नाम शामिल है। और ये मैं पुनः दोहराता हूँ, ये मेरे आंकड़े नहीं है, नीति आयोग का ये किया हुआ ये सर्वे है। तो आप, मैंने अगर कार्य नहीं किया, आप उस पर सवाल उठाइए। बट क्योंकि सिर्फ मेरा विरोध करना है, इसके लिए आप विरोध कर रहे हैं और आपके पास कोई इसका ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, तो ये भी गलत है। मेरा 2 सवाल और है सर। ये तो बतौर सांसद आपकी बात जो भी थी, जो पार्टी, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं आप, और पार्टी में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ, उसमें चिराग पासवान का हस्तक्षेप पूरा पूरा देखा गया, बहुतों का टिकट काट दिया गया, सिटिंग एमपी का टिकट काटा नहीं गया, किसी भी सिटिंग एमपी का तो खैर टिकट काटने वाली बात नहीं आई। हाँ, 1-2 सीटें थी जिस पर थोड़ा सा मंथन करने की हम लोग को जरूरत थी। देखिए, मेरा एज अ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड लोक जनशक्ति पार्टी, मेरा लक्ष्य ये जरूर है कि हम लोग जितनी सीटें हम लोग लड़ें, उतनी सीटें हम लोग जीतें। पिछली बार भी हम लोग 7 सीटों पर चुनाव लड़े, उसमें से 6 सीटें हम लोग जीते, तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी होती है कि मेरा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय था वो सही रहा। और मैं जो भी निर्णय लेता हूँ, तमाम अपने सदस्य, संसदीय बोर्ड के सदस्यों के सुझाव पर ही मैं तमाम में निर्णय लेता हूँ। इस बार भी मुंगेर वाली एक सीट को हम लोगों ने बदला, उसकी जगह नवादा की हम लोगों को सीट हम लोगों के खाते में मिली। पिछली बार उस सीट से सूरजमान सिंह जी की धर्मपत्नी वो चुनाव लड़ रही थी, पर इस बार उनके भाई चंदन वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके अलावा खगड़िया की बस एक सीट है जिस पर कि अभी निर्णय होना बाकी है। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में, आज से कल तक, उस पर भी फैसला कर लिया जाएगा। क्या कारण है कि खगड़िया पर फैसला नहीं हो पाया? आखिरी सवाल। देखिए, कारण कुछ नहीं है, तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए हर प्रत्याशी हर सीट पर हम लोग चर्चा करें। विनिमिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे लिए जरूर रहता है। मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय जिसमें मुझे किसी तरीके का पछताव हो, इसीलिए हम सब मीटिंग कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कल तक इसका अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये थे चिराग पासवान, जिनको भरोसा है कि वो अपने विकास कार्यों के आधार पर चुनाव 2019 में फिर से उनकी वापसी होगी। कैमरा सी होगी कृष्णा के साथ आशुतोष।